नमस्कार दोस्तों, और आज हम आए हैं एक काफ़ी अच्छी जगह में। राजस्थान के राजगढ़ तहसील में है ये, अलवर ज़िले में राजगढ़ तहसील में अलेवा धाम। और आप ये पीछे देख रहे हैं, पूरा का पूरा इधर झरना जा रहा है और आगे लास्ट तक जा रहा है। पूरी आपको लोकेशन दिखाते हैं, और यहाँ की लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से गूगल मैप के थ्रू यहाँ आ सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, और इसका व्यू दिखाते हैं आपको। तो अभी यहाँ पर हम टॉप पे पहुँच चुके हैं, और आपको दिखाते हैं। ये देखिए पीछे, ये पूरा झरना जा रहा है नीचे तक। काफ़ी शानदार जगह है, आउटिंग के लिए आप विद फैमिली यहाँ पर आ सकते हैं। और अभी आपको नीचे का नज़ारा दिखाते हैं, बने रहें। तो ये पूरा का पूरा झरने ऐसे बह रहे हैं, और पीछे का आपको व्यू दिखाते हैं। सबसे पुरानी वो है, उसके बाद फिर आलम ऋषि की है। 1200 साल हो गया, 2024 चल रहा है, 1100 काट दीजिए। 1000 तो ये हो गए सीधा, 1100 वर्ष हो गए। तेरे देश को ये आज़ाद कितना हुआ है? 1947 में। तो ये है बहुत प्राचीन मंदिर है, ये शिव मंदिर था भगवान का। हाँ, शिव मंदिर अभी। ये इसमें सारी मूर्ति, वो पुरानी मंदिर है। ये है तो राजा अलवर नरेश जो आए थे यहाँ तपस्या कर रहे थे, तो उस शेर है ना, शेर ने गऊ को दबा रखी थी, तो गऊ को दबा रखी तो ऋषि की धुन गाया आई, और उसने कमंडल में से यहाँ ये जो धुना है कमंडल में की ठेका दिया, और उसको क्या बना दिया, शेर बना दिया, गाय को शेर बना दिया। और राजा आया इधर से कि मेरा शिकार है, अरे यहाँ कहाँ शिकार है कि भैया ये तो ये शेर खड़ा है, ये तो
और शेर को देख करके आगे चले गए। वापिस आया राजा को भुला दिया, तब से ये भूल भुलैया भुलेरी का नाम पड़ा। अच्छा, तभी गांव का नाम भुलेरी भुलेरी है, भूल गया वो यहाँ पे, तब ये भुलेरी नाम पड़ा है। फिर ये कि 1100 बीघा जमीन इनाम की है ऊँकेरी भूदा तक, ये अलेवा धाम की। अब वो किसको दी थी? नहीं, नीचे बाग है, अब दब गई पुरानी है, सब दबा दिया है। ये पुराना धाम है, गंगा माता है, गंगा माँ और उनकर वहाँ गुफा है, जो गुप्त गुफा वहाँ की, वो गुफा है जो मैंने वो संतों की गुफा है। और ये पुराना मंदिर है उधर, गंगा हो गया वहाँ सामने, उधर वो नरसिंह मंदिर था वहाँ सामने। गुफा की तैयारी है ये, इसका कोई और छोर नहीं है, इसका कोई पता नहीं है इसका। हाँ, नीचे जाने के बाद में इधर से रास्ता बंद कर दिया मैंने इसका, वो यूँ आती थी इधर से यहाँ तक, इसका बंद कर दिया।